स्नेह यात्रा के अंतर्गत बेटमा पहुंचे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री 7:14 पर मंच पर पहुंचे और अपने 25 मिनट के भाषण में केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और देश के लिए लिए गए बड़े फैसलों का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने विधानसभा के जबरेश्वर मंदिर, 24 अवतार मंदिर, जैन समाज के बनेड़िया मंदिर और बैठमा गुरुद्वारा साहेब का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में ओबीसी, आदिवासी, महिला, युवा आदि सभी बिंदुओं को छुआ। शाह ने कहा कि देश की विभिन्न समस्याओं को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम कांग्रेस ने किया है। राहुल बाबा कहते थे, मंदिर वही बनाने वाले तारीख नहीं बताते हैं, तो उनको याद दिला दूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में देश के आराध्य भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेस ने 370 को 70 सालों तक पाला, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त को समाप्त कर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। मोदी सरकार में देश सुरक्षित हाथों में है। अब मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाएंगे। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भाई और बहनों, मैं जब यहाँ आया हूँ तब जबरेश्वर मंदिर, 24 अवतार मंदिर, मनेड़िया मंदिर और इस भूमि पर हमारे महान श्री गुरु गुरु नानक देव जी महाराज भी रहे हैं। इन सबको प्रणाम करकर भाई और बहनों, आप 17 तारीख को जब वोट देने जाएं, तब एक बात याद रखना कि मनोज बीरभाई सिंह को विधायक बनाने के लिए वोट नहीं देना है। आपके वोट से वो विधायक तो बन ही जाएंगे, परंतु आपका वोट मध्य प्रदेश और देश के विकास और सुरक्षा के लिए आ मोदी जी की डबल इंजन सरकार बनेगी और वो डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को बंटा धार जो बीमारू राज्य छोड़कर गए थे, 18 साल में शिवराज जी ने बेमिसाल किया और अब डबल इंजन की सरकार उसको बेस्ट मध्य प्रदेश बना देगा। फिर से पूछता हूँ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अनवरत संतान की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर। राहुल बाबा, जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में गया तो राहुल बाबा कहते थे, धारा 370 मत हटाओ। मैं बोला, भाई क्यों? तो वो कहते थे, धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, 5वां साल आ गया, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।